माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे घोषित किया जाएगा। रिजल्ट को लेकर बच्चों के मन में कोई भी सवाल या शंका है तो डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी मंडल द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18002330175 पर आसानी से अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। इसमें नंबर कम आने से लेकर सभी तरह के प्रश्नों के जवाब काउंसलर देंगे। इस साल अब तक 1 जनवरी से 28 अप्रैल तक करीब 51,000 स्टूडेंट टोल फ्री नंबर पर कॉल कर चुके हैं। एमपी बोर्ड ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर को टोल फ्री किया है। सभी हेल्पलाइन नंबर सर्वर से सीधे 6 अलग अलग लाइनों पर बैठे काउंसलर के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं। पिछले साल तक माध्यमिक शिक्षा मंडल के हेल्पलाइन नंबरों पर प्रदेश भर से एक दिन में करीब 200 कॉल आते थे, अब इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। मंडल ने 2019 में साल भर काउंसलिंग प्रक्रिया चलाई थी, तब से अब तक 5 लाख से ज्यादा कॉल हेल्पलाइन नंबर पर आ चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा कॉल करते हैं। मंडल ने 3 शिफ्ट में 6-6 काउंसलर को रखा है। स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए 18 काउंसलर मनोवैज्ञानिक रहते हैं, साथ ही 120 से अधिक विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स शैक्षणिक समस्या, मानसिक तनाव से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं। यह सभी दिन काम करता है। एमपी बोर्ड द्वारा बच्चों को रिटोटलिंग और कॉपी देखने का अवसर भी दिया जाता है। इसके लिए रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कोई भी संदेह शंका होने पर वह रिटोटलिंग या कॉपी भी देख सकता है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसे ठीक कर नया रिजल्ट तैयार होगा। अब आपको बताएंगे कि आप अपना रिटोटलिंग और कॉपी कैसे देख सकते हैं। एमपी बोर्ड द्वारा बच्चों को रिटोटलिंग और कॉपी देखने का अवसर दिया जाता है। इसके लिए रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कोई भी संदेह या शंका होने पर वह रिटोटलिंग या कॉपी भी देख सकता है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसे ठीक कर नया रिजल्ट तैयार होगा। अब हम आपको बताएंगे कि छात्र अपना रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले छात्र को एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbsc.nic.in पर क्लिक करना होगा। अब होम पेज पर दिखाई दे रहे 10वीं या 12वीं कक्षा के रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहां मांगी जा रही जानकारी को दर्ज करके लॉगिन करने के बाद सबमिट करें। आपका रिजल्ट सामने की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसे चेक करके डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरत के लिए इसका प्रिंट भी निकाल लें। वहीं शिवराज सिंह ने कहा, मेरे प्रिय भांजे एवं भांजियों, आज 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने वाले हैं। जो सफल होंगे उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन अगर असफल हुए तो चिंता मत करना। कोविड-19 की परिस्थितियों के बावजूद भी आपने परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए खूब मेहनत की है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। तुमने परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए खूब मेहनत की है, लेकिन कई बार सफलता और असफलता, पास होना पास ना होना कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और इसलिए असफल हो गए तो अभी हताश मत होना, निराश मत होना, रुक जाना नहीं, योजना भी चालू है। आप तैयारी के बाद फिर इसी साल परीक्षा दे पाओगे, आपका साल भी खराब नहीं होगा। सफलता और असफलता में समान भाव रखना, अगर सफलता नहीं भी मिली तो इस अगली बार और अच्छा प्रयास करना। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, बधाइयां शुभकामनाएं, लेकिन असफल होने की भी चिंता नहीं करना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, फिर आगे की सफलता के लिए और मेहनत करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।